नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएलआर कैमरे का जो डायल मोड रहता है उसमें एक का सिंबल रहता है वो निकॉन में रहता है और कैनन का जो डायल मोड है उसमें ए भी लिखा रहता है, उसका मतलब है एपर्चर प्रायोरिटी मोड। और ये एपर्चर प्रायोरिटी मोड होता क्या है कि मतलब जब भी आपको जो भी एपर्चर आप रखना चाहते हैं, मतलब अगर आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और या फिर डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर नेचर के आउटडोर में, तब आप एपर्चर 10 11 12 के 15 तक रखेंगे या फिर उसके आगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब मैनुअली काम करते हैं मैनुअल मोड पे, तो उसमें आपको एपर्चर भी सेट करना पड़ता है, शटर स्पीड सेट करना पड़ता है, आईएसओ भी सेट करना पड़ता है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो और आपको कम से कम टाइम में ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करो, डायरेक्टली उस कैमरे को एपर्चर प्रायोरिटी मोड पर डाल दो और आपको जो एपर्चर सेट करना है, मतलब अभी लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं नेचर की, तब आप उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपना एपर्चर सेट करो 12 15 16 18 20। और अगर आप किसी चीज़ की, मतलब कोई मैक्रो फोटोग्राफी, कोई प्रोडक्ट की या फिर कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे, तो उस टाइम पे या फिर ब्राइडल शूट कर रहे, ब्राइडल का मेकअप, ब्राइडल के जो ऑर्नामेंट से, तो उस टाइम पे आप कम सबसे बड़ा वाला एपर्चर यूज करो 1.4 1.8 और एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डाल दो। उसके बाद आपका कैमरा शटर स्पीड और आईएसओ ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। लेकिन मैनुअल मोड में हमें काम करने की जो आदत पड़ गई ना, उसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप मैनुअल फोटोग्राफी करो, आप मैनुअल फोटोग्राफी करो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट है तो अच्छी बात है, अगर जो बिगिनर है उनको नहीं मालूम, तो आप अगर 1.8 1.4 और इस जो बड़े वाले अपर्चर पे अगर आप कैमरे को सेट करेंगे अपर्चर प्रायोरिटी मोड में और बाकी का काम आपका कैमरा कर ही रहा है, तो ये सबसे बहुत अच्छा एक सेमी मैनुअल मोड हमें कैमरे ने दिया है। एपर्चर प्रायोरिटी में हम फोटोग्राफी कब करनी चाहिए, बहुत से फोटोग्राफर है जो मैनुअली फोटोग्राफ्स लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें एपर्चर प्रायोरिटी मोड का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन में अलग अलग तरह के लाइट्स कंडीशन आती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा लाइट होगी, किसी जगह पे कम लाइट होगी, तो उस टाइम पे जो हमें तीनों मोड एपर्चर शटर स्पीड आईएसओ ये सब मैनेज करते करते वो हमारा सब टाइम निकल जाएगा, वो मोमेंट निकल जाता है। तो आप क्या करो, सीधा एपर्चर पे डाल देंगे तो हर लाइट की जो भी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन में आपका कैमरा आपको वो रिजल्ट देता रहेगा। और यही आपको इनडोर में भी और आउटडोर में भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि जो भी फोटोग्राफर मैनुअल फोटोग्राफी करते हैं, तो एक बार इस एपर्चर प्रायोरिटी पे अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। धन्यवाद।